इंडस्ट्री को जब भी आप शुरू करते हैं आपका कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई सपना होता है, और मेरा भी सपना था और है, मेरे पेरेंट्स के सपने और मेरे पापा का 30 साल पुराना सपना आज हमने पूरा किया इंडस्ट्री से। 30 ईयर ओल्ड, माई गॉड एंड माई गुडनेस, थैंक्स टू गॉड। मैं बताती हूँ कि मैं गोरखपुर से हूँ, माई नेटिव प्लेस इज गोरखपुर, और आज से 30 से 35 साल पहले पापा काम की वजह से दिल्ली आए थे, और दिल्ली के हॉट मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक की भागीरथ पैलेस जहाँ मेरे पापा काम करते हैं। उनका बड़ा ड्रीम था कि उस जगह उनकी दुकान हो, लेकिन 30 साल हो गए थे अपनी दुकान नहीं थी, क्योंकि वो दुकान के लिए जितना वो अरेंज करते थे उससे कहीं ज्यादा वो दुकान महंगी हो जाया करती थी। जो उन्होंने 20,000 अरेंज किया वो दुकान 50 की हो गई, जब 50 अरेंज किया दुकान लाख की हो गई, जब लाख अरेंज किया दुकान 5 लाख की हो गई, जब 5 लाख अरेंज किया तो दुकान 10-15 लाख की हो गई, और वो फिर भूल नहीं गए, ये कह सकते हैं कि शायद ये सोचने लगे थे कि ये सपना पूरा नहीं होगा। तो जब दुकान नहीं थी तो क्या कर रहे थे, पत्ती लगाते हैं, मेरे पिताजी पत्ती लगाते हैं। व्हाट इज अ पत्ती, यू नो अबाउट द पत्ती, इलेक्ट्रॉनिक के सामान देश विदेश जाते हैं भागीरथ पैलेस से, उन इलेक्ट्रॉनिक के सामान को ऐसे तो भेज नहीं सकते आप, उन्हें कार्टून में पैक करके उसके ऊपर प्लास्टिक की ये तार बांधा जाता है, उस तार के आखिरी छोरों को लोहे की सील लगाकर पैक किया जाता है। एक सील के 150 रुपए मिलते हैं, यानी आपने 100 सील लगाई तो 150 रुपए, और 1,000 सील लगाई तो 1,500 रुपए। तो ऐसे हमारे पापा कमाते हैं, और इस तरीके से हमारे परिवार को बहुत अच्छे से उन्होंने ड्राइव किया, बट अपने सपने को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वो थी उनकी दुकान। बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसने इस सपने को पूरा कर दिखाया। परसों हार्ड कैश 31 लाख रुपीज एंड पप्पा की दुकान को हमने बाय किया ड्यू टू दिस इंडस्ट्री, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, थैंक यू गॉड। जिन सपनों को आप भूल गए हैं, जिन सपनों पे मूर्ति होती है ना, बहुत पुरानी मूर्ति, उस पर धूल लग जाती है अगर उसे साफ ना करो, उस सपने की दुकान जिस पे धूल लग चुकी थी उसको अच्छे से पानी से धोया है और उसको उजागर किया, और खरीदी हमने पापा की दुकान, थैंक्स टू गॉड। और मैं अपने पापा की हैप्पीनेस बताऊं, ओ माय गॉड, मैं मेरी मम्मा की खुशी को बताऊं, इधार नहीं कर सकती। बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को कि जब उनके सपने उनके बच्चे पूरे करते हैं। थैंक्स टू गॉड कि मौका मुझे मिला, और मुझ में क्या ताकत थी, मुझ में क्या औकात, ये औकात तो इस इंडस्ट्री की है। और सच्ची बताऊं 31 लाख की दुकान इज अ पीनट इन दिस इंडस्ट्री, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बट आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, आपके भी सपने होंगे, आपके पेरेंट्स के भी सपने होंगे, आपकी जॉब या आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, उन काम से जब आपके पापा या मम्मी कई बार अपने सपने नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि वो अपने बच्चों की यानी हम लोगों के लाइफ में इंगेज हो जाते हैं, उसमें भी कई कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं, तो आप सोचिए आप कैसे अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी में लग चुके हैं, और शायद उसमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूं कि आपके अंदर बेइंतहा ताकत है, एनर्जी है, अपने सपने हैं, पेरेंट्स के सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कीजिए। टैरिफ सेलिंग इंडस्ट्री है, अच्छी बात यह है कि जॉब के साथ हो सकती है, अच्छी बात यह है कि आपके काम के साथ हो सकती है। आपके पापा के, आपके सपने, आपकी मम्मा के सपने, आपके बच्चों के सपने पूरे होते हैं इस इंडस्ट्री से, सच में पूरे होते हैं इस इंडस्ट्री से। देर मत कीजिए, जिनके जरिए ये वीडियो आपको मिली है उनके साथ कनेक्ट। इकतीस लाख कैश की दुकान इज अ पीनट, इन 1.5 साल में 31 लाख की कैश दुकान ली है मैंने, और 10 लाख का कैश ऑलरेडी हमारा अपना घर है, बट मैंने अपने पैसों से अपना एक फ्लैट लिया है, हालांकि 10 लाख में छोटा सा ही फ्लैट मिलता है 1 BHK, बट लिया। तो लगभग 1.5 साल में आप 41 लाख रुपए का कैश प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जिसमें से अपना वो फ्लैट तो ठीक है यार, इट्स ओके, कोई भी लेता है, बट अपने पप्पा का दुकान लेना इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर माई सेल्फ, मेरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम है जो पूरा हुआ है। अभी भी ये इंडस्ट्री में काम करने का मन नहीं हो रहा हो तो बैठ जाना अपने मम्मा पापा के साथ और पूछिए उनसे उनके क्या उनके अधूरे सपने हैं जो आपके लिए शायद कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे।
करिए ना पूरा, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, सरकार ने आज बेटा बेटी एक समान बोला और समाज ने भी इसे एक्सेप्ट किया बेटा बेटी एक समान, तो क्या सिर्फ हिस्सेदारी लेने के लिए? ना जी ना, जिम्मेदारी लेने के लिए। आपके माँ पापा के सपने आपके भाई की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। और सच्ची बताऊं, एक बेटी होने के नाते जब आप सपने पूरे करते हैं ना, आहा, दिल बागवान हो जाता है, दिल खुश होता है, दिल झूम उठता है। और सच बताऊं, पेरेंट्स का प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को, एंड आई नो कि आप कराएंगे। मैं उन सब लड़कियों को, उन सभी लेडीज को ये वीडियो समर्पित करती हूँ जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हैं। आ जाइए ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, करते हैं मिलके धमाल कमाल। जिनके जरिए वीडियो मिला है उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, इंडस्ट्री में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। थैंक यू।